मम्मी, ये टीवी पर एनिमल्स के बारे में क्या बता रहे हैं? क्या एनिमल्स को कोई खतरा है? बेटा, दरअसल ये प्रोग्राम इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में है। ये इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट क्या होता है? एक्सटिंक्ट एनिमल्स का मतलब है वो एनिमल्स जो अब दुनिया में नहीं पाए जाते, यानी दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट आर टोटली गॉन फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। जबकि इनडेंजर्ड एनिमल्स का मतलब ऐसे एनिमल्स जो दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं, यानी इनडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। क्या कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं? हाँ, अनफॉर्चुनेटली बहुत से एनिमल्स अर्थ से कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूबल हार्टे बीस्ट, कैरेबियन मॉन्क सील, जेवन टाइगर, गोल्डन ट्राउट, पायरेनियन आइबेक्स, स्पिक्सिस मकाओ, वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनो। मम्मी, इतने सारे एनिमल्स अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? जी बेटा, मैं तो सिर्फ चंद एनिमल्स के नाम जानती हूँ। हकीकत तो ये है कि एक्सटिंक्ट होने वाले एनिमल्स का नंबर इससे कहीं ज्यादा है। पर क्या तुम जानती हो कि इन एनिमल्स के एक्सटिंक्ट होने की वजह क्या है? डू यू नो द कॉजेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज? ज्यादातर जानवर हम इंसानों की डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जैसा कि शिकार करना, या फिर दरख्तों का सफाया करना, या डीफॉरेस्टेशन वगैरह। बच्चों, क्या आप एनिमल्स के एक्सटिंक्ट होने की कोई और वजह बता सकते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई एनी अदर फैक्टर दैट लीड्स टू एक्सटेंशन ऑफ एनिमल्स? बेटा, जरा देखो तो, अब पाकिस्तान के इनडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं, यानी ऐसे जानवर जिनकी तादाद बहुत कम रह गई है। मार्कर, माउंटेन वीजल, एशियन ब्लैक बियर, ब्लैक फिनलेस पॉर्पस, ग्रीन सी टर्टल। इसका मतलब है कि दुनिया भर में एनिमल्स की बहुत सी खूबसूरत स्पीशीज यानी किस्में नायाब हो चुकी हैं। आखिर हम इन इंडेंजर्ड एनिमल्स को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? What can we do to save these endangered animals? अब भी कुछ तरीके हैं जिनसे हम इन एनिमल्स को एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। मसलन, डीफॉरेस्टेशन को रोककर और नए ट्रीज उगाकर। पानी के जखायर मसलन रिवर्स सीज को पॉल्यूशन यानी आलूदगी से बचाकर। और इनडेंजर्ड एनिमल्स के शिकार यानी हंटिंग पर पाबंदी लगाकर। अब आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर मालूम करें कि सी टर्टल्स आखिर क्यों नायाब होते जा रहे हैं। फाइंड आउट व्हाई डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन।